नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वितान पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की शानदार फिल्म ऐलान ए जंग से जुड़ी ढेर सारे नॉन फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। ऐलान ए जंग अपने नाम की ही तरह एक्शन से भरपूर फिल्म है, जिसे रिलीज किया गया था 18 अगस्त 1989 को। इस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था धर्मेंद्र, जया प्रदा, दारा सिंह, सदाशिव अमरापुरकर, अनु कपूर, सुषमा सेठ, सुधीर पांडे, अरुण बख्शी, चंद्रशेखर, विक्रम गोखले, राजन हक्सर, पुनीत इस्सर, सुहास जोशी, प्रवीण कुमार, बीजू खोटे, देव कुमार, राजेंद्र नाथ, सुरेंद्र पाल, सचिन पिलगांवकर, जोगिंदर सेली, गुरबचन सिंह, सुधीर इत्यादि। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनिल शर्मा ने, जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा, सिंह साहब द ग्रेट, तहलका, हुकूमत, होगी प्यार के जीत और सुहाग जैसी कई बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म को लिखा था अनिल शर्मा ने, प्रोड्यूस किया था अनिल शर्मा और केसी शर्मा ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनको अपनी आवाज़ से सजाया था मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल, नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने। इन गानों के बोल थे, दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी, जान वतन को देंगे, मेरा नाम है बदनाम हो गया, मेरा नाम रीमा है, टिक 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 चलती है घड़ी इत्यादि। यह सभी गाने काफ़ी मेलोडियस हैं और इनके बोल काफ़ी मीनिंगफुल हैं। इनमें से कुछ गाने लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए गए थे, दोस्तों से दोस्ती और दुश्मनों से दुश्मनी और जान वतन को देंगे देशभक्ति से ओतप्रोत गाने हैं, जिन्हें आज भी लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त और जब भी देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो गुनगुनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। इस फिल्म का बजट था 2,60,00,000 रुपये और इस फिल्म ने कुल 7,40,00,000 रुपये की कमाई की थी और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। 2 घंटे 29 मिनट लेंथ की इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 5.6 रेटिंग मिली हुई है। अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ऐलान ए जंग फिल्म साल 1989 में कमाई करने के मामले में 6वें स्थान पर थी। आपको बता दें कि साल 1989 में सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर थी सलमान खान की मैंने प्यार किया, दूसरे नंबर पर थी जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की राम लखन, तीसरे नंबर पर थी सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह की त्रिदेव, चौथे नंबर पर थी ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और श्रीदेवी की चांदनी, पाँचवें नंबर पर थी सनी देओल और रजनीकांत की चालबाज और 6वें नंबर पर थी धर्मेंद्र की ऐलान ए जंग। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के निर्माण के दौरान धर्मेंद्र काफ़ी डिप्रेशन में थे, क्योंकि वह अपनी बहन के कोमा में होने के कारण बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनकी बहन का निधन हो गया, लेकिन उनकी पत्नी प्रकाश कौर ने फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा से कहा कि वह धर्मेंद्र को ना बताएं कि उनकी बहन का निधन हो गया, क्योंकि उन्हें डर था कि धर्मेंद्र इस खबर को सहन नहीं कर पाएंगे और नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि वह पहले से ही काफ़ी डिप्रेशन में थे। जब धर्मेंद्र शूटिंग पूरी करने के बाद मुंबई आए, तब उन्हें इस खबर को बताया गया। धर्मेंद्र काफ़ी सरल और भावुक इंसान हैं और वह दूसरों का दुख देखकर काफ़ी दुखी होते हैं। फैक्ट नंबर 3, ऐलान ए जंग फिल्म को अमिताभ बच्चन की दो फिल्मों तूफान और जादूगर के बीच रिलीज किया गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पीट गई थीं, जबकि धर्मेंद्र की ऐलान ए जंग सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में धर्मेंद्र की माँ की भूमिका निभाने वाली सुषमा सेठ असल जिंदगी में धर्मेंद्र से 1 साल छोटी हैं। फैक्ट नंबर 5, ऐलान ए जंग फिल्म में दारा सिंह, पुनीत इस्सर, प्रवीण कुमार और सुरेंद्र पाल ने भी अभिनय किया है। आपको बता दें कि दारा सिंह रामानंद सागर कृत रामायण में हनुमान की भूमिका निभाया है और इसी से दारा सिंह को सबसे ज़्यादा पहचान मिली। वहीं पुनीत इस्सर B.R. चोपड़ा कृत महाभारत में दुर्योधन की भूमिका में, प्रवीण कुमार भीम की भूमिका में और सुरेंद्र पाल गुरु द्रोण की भूमिका में दिखाई दिए थे और इन सभी को आज लोग फिल्मों से ज़्यादा रामायण और महाभारत में निभाई गई यादगार भूमिकाओं के लिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 6, धर्मेंद्र एक एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने ऐलान ए जंग फिल्म से पहले भी शोले, प्रतिज्ञा, धर्मवीर, लोहा, महावीरा जैसी दर्जनों एक्शन फिल्मों में काम किया था, लेकिन ऐलान ए जंग बॉलीवुड की मोस्ट वायलेंस फिल्म थी। इस फिल्म में बेहद ही खतरनाक एक्शन सीन्स दिखाए गए थे। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में काम करने वाले जोगिंदर सेली ने
धर्मेंद्र पर आरोप लगाया था कि उनके रोल को एडिट के दौरान काट दिया गया। हालांकि जोगिंदर सेली के बाद में कितनी सच्चाई है ये वही जान सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी और किस फिल्म का अननोन फैक्ट देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।